तो खबरों की दुनिया की हर वो हलचल जिससे होना चाहिए आपको बाखबर, न्यूज इंडिया की रहती है उस पर न्यूज रूम से सीधी नजर। नमस्कार, मैं पूजा मोहन पांडे आप सभी का न्यूज इंडिया पर स्वागत करती हूँ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रदर्शनकारी पहलवानों से बातचीत करेगी सरकार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलेंगे पहलवान। बड़ी खबर सामने आ रही है, अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को निमंत्रण दिया है, न्योता भेजा है, पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूँ। सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है, पहलवानों के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। सरकार से मुलाकात पर प्रदर्शनकारी पहलवान बोलते भी नजर आए हैं। कल रात को मंत्री की ओर से सूचना आई थी, ये पहलवानों का कहना है। फिलहाल बातचीत के लिए जगह और समय अभी तय नहीं हुआ है। अनुराग ठाकुर का वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने सरकार की तरफ से मुखरता से अपनी बात रखते हुए पहलवानों को निमंत्रण दिया है मुलाकात का। फिलहाल कल रात की ये बात है जिसको पहलवानों ने स्वीकार किया है कि हमें निमंत्रण भेजा गया था। एफआईआर में प्रताड़ना के आरोपों पर विस्तार से बात की गई है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। इस पूरे मामले पर पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार अपना स्टैंड क्लियर करती हुई पहलवानों को एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाती नजर आई है। फिलहाल जगह और समय अभी तय नहीं हो पाया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को निमंत्रण दिया है, पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करते नजर आए हैं अनुराग ठाकुर। प्रदर्शनकारी पहलवानों से बातचीत होगी सरकार की तरफ से। हालांकि इससे पहले अमित शाह एक बार मुलाकात कर चुके हैं जिसके बाद लगातार साक्षी मलिक के आंदोलन से विड्रॉ हो जाने की खबरें तूल पकड़ती नजर आई, जिस पर साक्षी मलिक ने कहा कि ये न्याय की लड़ाई है, अहिंसा की लड़ाई है जो कि जारी रहेगी। अब अनुराग ठाकुर की तरफ से पहल की गई है कि पहलवानों से बातचीत की जाए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहलवानों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। कल रात को मंत्री की ओर से सूचना आई थी, ये कहना है पहलवानों का। फिलहाल बातचीत के लिए जगह और समय तय नहीं हुआ है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहलवानों से मिलेंगे, प्रदर्शनकारी पहलवानों की ओर से इस बात की स्वीकृति दी गई है कि हाँ, अनुराग ठाकुर की ओर से हमें निमंत्रण मिला है, लेकिन अभी तक जगह और समय तय नहीं हो पाया है। बड़े अपडेट दे रहे हैं आपको पहलवानों के प्रदर्शन के बारे में। सरकार लगातार इसी कवायद में जुटी हुई है कि प्रदर्शन को किसी तरीके से रोका जाए, और इसी कवायद में एक बार फिर से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहलवानों से बातचीत करेंगे। पिछली बार भी जब प्रदर्शन हो रहा था तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ही फ्रंट फुट पर आए थे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करी थी। कमेटी को लेकर सहमति बनती नजर आई थी दोनों ही पक्षों के बीच में, जिसके बाद आंदोलन कुछ वक्त के लिए थमा, लेकिन दोबारा से तमाम पहलवान प्रदर्शन के लिए अड़ गए, बैठे रहे, और अब एक बार फिर से सरकार की तरफ से पहल की गई है मुलाकात की। और इस बात की एक्सेप्टेंस कल रात पहलवानों की तरफ से भी दी गई कि हाँ, हमें निमंत्रण मिला है, लेकिन अभी भी जगह और समय तय नहीं हो पाया है। तो अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। दीपक चौबे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? पहलवानों की नूरा कुश्ती लगातार जारी, और इस नूरा कुश्ती के बीच अनुराग ठाकुर का दाव कि बातचीत की जाए, बातचीत से मसले को समाधान की तरफ ले जाया जाए। बिल्कुल पूजा, अगर बात की जाए तो खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने
एक ट्वीट करके जो पहलवान थे जो नाराज थे उनको बुलाया है। हालांकि ये बैठक हो सकता है कि आज रात देर रात तक ये बैठक हो, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो पहलवान है उनकी एक पंचायत है, उस पंचायत में वो बिजी है। कुछ पहलवानों से मेरी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उनका कहना था कि हम अभी बिजी हैं। हाँ, हालांकि हमारे पास फोन आया था और बात हुई है, हो सकता है कि देर रात तक मुलाकात हो, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है वो दो दिन बाद कोर्ट में पेश करनी है, तो इसको लेकर भी लगातार बातचीत चल रही है कि किस तरीके से जो पहलवान है या फिर केंद्र सरकार की जो लगातार जो बातचीत है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो खुद ब्रजभूषण सिंह लगातार वो कहते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तो ये सारी चीज देखनी होगी, क्योंकि अब सरकार भी चाहती है कि ज्यादा दिन ये सब ना चले। इससे पहले भी देखा होगा आपने कि किस तरीके से खबरें चली थी कि गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी, उसके बाद वो लोग अपने जॉब पे लौट गए थे। हालांकि उन्होंने साफ क्लियर कह दिया था कि हमारा जो प्रदर्शन है वो खत्म नहीं हुआ है, हम नौकरी भी करेंगे और हम प्रदर्शन भी करेंगे। तो इन सबके बीच में एक बड़ी खबर यही है कि अनुराग ठाकुर ने सभी जो पहलवान है उनको बुलाया। अब देखना ये होता है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार की बात मानेंगे और धरना खत्म करेंगे, या फिर आगे के लिए पहलवान कुछ और सोचेंगे। पूजा, बिल्कुल दीपक, मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि जगह और समय डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। आप कह रहे हैं कि देर रात ये मुलाकात हो सकती है, तो क्या अभी तक जगह सामने आ पाई है कि किस जगह ये मुलाकात होगी? देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पे ही ये बैठक होगी, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो जो पहलवान है वो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर गए थे, जहां पे उनका भोजन का इंतजाम किया गया था। तो हो सकता है कि आज शाम को भी उनके घर पे मुलाकात हो। अब ये देखना होगा कि कहाँ पे, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अनुराग ठाकुर के घर पे ही होगा, पर थोड़ी देर में स्पष्ट जो अगर बात की जाए जो पहलवान है वो बता देंगे कि कहाँ मुलाकात होगी। बस इंतजार यही है, पर हो सकता है कि क्योंकि देखिए पहले भी इससे पहले भी अनुराग ठाकुर ने अपने घर पे भोजन पे बुलाया था, तो ये हो सकता है कि भोजन पे बुलाता, और एक कहते हैं ना कि भोजन पे अपने सारी बातों को बता सकते हैं, तो हो सकता है कि जब बिल्कुल खेल मंत्री बैठेंगे भोजन पर बात करेंगे तो हो सकता है ये सारे जो मुद्दे हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खिलाड़ी इस समय सियासी पिच पर बिजी हैं, लेकिन सियासी पिच पर क्या हो रहा है, राजस्थान से बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान दौरे पर कौन है? सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो की प्रभारी है राजस्थान के। थोड़ी देर में कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहने वाले हैं। नेताओं से बातचीत करते हुए फीडबैक लेंगे रंधावा। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनकी तरफ से बार बार एक बात कही जा रही है कि पायलट के जहन में क्या चल रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से सब कुछ ऑल इज वेल है। तो नेताओं से बातचीत करके फीडबैक लेंगे रंधावा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दीपक चावला जुड़े हुए हमारे साथ में। दीपक, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान में मौजूद हैं, दूसरी तरफ अल्टीमेटम सचिन पायलट की तरफ से, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट की तरफ से ये खबर आ रही है कि 11 तारीख को कुछ बड़ा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का राजस्थान के जयपुर में दौरा है, और इन सबके बीच में आज वो वॉर रूम में एक विधायक मंत्री की बैठक लेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। कल उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में सुलह हो चुकी है, 90% जो बात है वो मान ली गई है और केवल 10% बात है वो रह गई है। और उसके साथ ही जब उनसे पूछा कि पायलट का आने वाले दिनों में कद क्या रहने वाला, तो उन्होंने कहा था जिस नेता का जितना बड़ा कद होगा उस हिसाब से उनको पद जो है वो दिया जाएगा। तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे थे, वो कह रहे थे कि सारे सुलह वो हो चुके। इन सब के बीच में आज विधायक और मंत्री की एक एक वन टू वन संवाद करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। फीडबैक शायद वो इस बात का भी लेंगे, और फीडबैक इस बात का भी लेंगे कि सभी विधायकों के क्षेत्र में क्या चल रहा है, पब्लिक की क्या डिमांड है, आने वाले खत को जाना है। दीपक देखिए, सबसे बड़ी बात जब वॉर रूम का जिक्र होता है तो उसमें हम ग्राउंड जीरो पर चुनावी तैयारियों की बात करते हैं, हम आपसी सौहार्द की बात करते हैं, विधायकों की रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जिस तरह की अटकलें चल रही हैं उस हिसाब से कोई बातचीत होगी। लगभग जो है जो विधायक है कांग्रेस के वो लगभग पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और इसके साथ ही जो वन टू वन संवाद है वो भी होगा। और इन सबके बीच में कहीं ना कहीं मेन मुख्य जो एजेंडा है वो यही है कि आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, आपके क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किया है, और क्या आने वाले दिनों में आप क्या कुछ अपने क्षेत्र के लिए करने वाले हैं। तो बिल्कुल मेन मुद्दा तो यही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी पूछा जाएगा कि गहलोत और पायलट में से
क्या ठीक है और क्या गलत है। चलिए बहुत शुक्रिया दीपक, लगातार खबर पर नजर बना करके रखिए कि क्या कुछ अपडेट सामने आती है, क्योंकि राजस्थान इस समय बड़ा सियासी अखाड़ा बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है बड़ी खबर? समझिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, 18 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, कुछ महिला विधायकों को भी तरजीह मिल सकती है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और इसी के साथ महिला विधायकों को तरजीह मिलने की बात निकलकर सामने आ रही है। 18 विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कुछ महिला विधायकों को मंत्री पद की कमान सौंपी जा सकती है, यानी कि आधी आबादी को तरजीह देने के इरादे में महाराष्ट्र सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, ये बड़ी खबर है। कुछ महिला विधायकों को भी अपग्रेडेशन मिल सकता है, वो अपग्रेडेशन किस बात का होगा? मंत्री पद से जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी कि बेहतरीन प्रोफाइल पर आपको कुछ महिलाएं महिला मंत्री भी काम करती नजर आ सकती हैं, यानी कि महिलाओं को तरजीह देने की पूरी तैयारी बना ली है शिंदे सरकार ने। ग्राम जरूर का रुख करते हैं, शुभम पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। शुभम, क्या कुछ अपडेट? देखिए, हम लगातार दो दिनों से इस खबर पर बने हुए हैं कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार महाराष्ट्र में हो सकता है, और मंत्रिमंडल विस्तार रिक्वायर्ड भी है, लेकिन ऐसे में तमाम जब विधायकों का जिक्र हो रहा है तो महिला विधायकों का भी जिक्र अब सामने आया है कि आधी आबादी को तरजीह देने के इरादे में है शिंदे सरकार। बिल्कुल, देखिए पूजा जी, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके बाद शिंदे फडणवीस सरकार की आयु बढ़ी है, उसके बाद से लगातार जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो रुका हुआ था, जिसके बाद हमने कुछ तस्वीरें देखे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली आला कमान जो बीजेपी के नेता है, अगले मंत्री देश के अमित शाह से मुलाकात, जेपी नड्डा से मुलाकात, जिसके बाद अब ये मसौदा तय हो चुका है की कुल 9 विधायक, 9 शिंदे गुट से, 9 बीजेपी की ओर से जो है वो आने वाले कुछ समय में मंत्री जो है पद की शपथ लेंगे। इसमें देखिए 4 महिला विधायकों को इस बार मंत्री बनाए जाने की जो संभावना वो जताई जा रही है, 2 शिंदे गुट से, 2 जो है बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है कि ये 4 महिला मंत्री पद की शपथ ले, क्योंकि इस सरकार में फिलहाल कोई मंत्री जो है वो महिला नहीं है, महिला विधायक ने मंत्री का पद ले दिया गया। ऐसे में शिंदे फडणवीस सरकार अपने मंत्रिमंडल खेमे में, अपने कैबिनेट में कुछ महिला विधायकों को भी तवज्जो देंगे, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत कम वक्त चुका, जैसे अब लोकसभा चुनाव है, बीएसपी चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में ग्राउंड जीरो पर, जमीनी स्तर पर, खासतौर पर शिंदे ग्रुप को मजबूत करना और बीजेपी को मजबूत करना, वो एक बैलेंस इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश दोनों ही तरफ से होगी। बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2-2 मंत्री यानी कि महिला मिनिस्टर्स हो सकती हैं बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से। खबरों में आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, मणिपुर से आए कुकी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, अमित शाह से मिलना चाहते हैं प्रदर्शनकारी, मणिपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी। हालांकि जिस तरीके से मणिपुर के हालात थे, बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर का दौरा करते हुए भी नजर आए थे, उन्होंने कई प्रदर्शनकारियों से अपील करी थी कि आप सरेंडर कर दीजिए और हमें रास्तों का क्लियरेंस दीजिए, ताकि जो एसेंशियल नीड्स हैं आपकी वो पूरी हो सकें, फिर चाहे वो अनाज से जुड़ी हुई हों या फिर मेडिसिन से जुड़ी हुई हों, तमाम एसेंशियल नीड्स को हम पूरा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जिंदगी वापस से ढर्रे पर आ सके। लेकिन इस बीच कुकी समाज के लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उन्होंने दिल्ली का रुख किया हुआ है, तमाम प्रदर्शनकारी अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, मणिपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन बदस्तूर जारी है मणिपुर के अंदर भी, और अब इसकी जो चिंगारी है वो दिल्ली में भी फूटने लगी है। मणिपुर से आए कुकी समुदाय के लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, अमित शाह से मिलना चाहते हैं प्रदर्शनकारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से दे रहे हैं, ये बड़ी खबर है। इस बीच आपको हरियाणा से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, लाठीचार्ज के विरोध में किसान बड़ा फैसला ले सकते हैं, धरना स्थल पर राकेश टिकैत के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, चडूनी गुट राकेश टिकैत गुट ले सकता है बड़ा फैसला, सरकार को चेतावनी दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं,
सीधे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से लाठीचार्ज के विरोध में धरना स्थल पर राकेश टिकैत के पहुंचने की संभावना है। चडूनी गुट, राकेश टिकैत गुट बड़ा फैसला ले सकता है। दोनों गुटों ने मिलकर सरकार को चेतावनी दी है। इस बीच चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 300 में गिरी है बच्ची, सृष्टि को बचाने में जुटा है जिला प्रशासन। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और लगातार कवायद में जुटी हुई है। 28 फीट खुदाई भी कर चुकी है रेस्क्यू टीम। बोरवेल के अंदर इंस्पेक्शन कैमरा भी लगाया गया है। 50 फीट से ज्यादा नीचे फंसी है बच्ची, ये कहना है डीएम का। हालांकि बच्ची की हलचल महसूस नहीं की जा पा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं अहम तस्वीरों के साथ। 300 फीट गहरे बोरवेल में सृष्टि गिर गई है। बच्ची को बचाने की कवायद में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। इस बीच डीएम का कहना कि 50 फीट के आसपास बच्ची अभी हम लोग रात भर इसमें हमने एक्सकवेशन किया है, लेकिन हार्ड स्ट्रेटा है लगातार, तो थोड़ा प्रगति स्लो है और हम लोग अभी लगभग 26-27 फीट पे पहुंच पाए हैं, लेकिन मशीनें लगातार लगी हैं, वर्किंग स्पेस बना रही हैं और काम। राजस्थान के फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सालासर फतेहपुर बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है मामले की। बड़ी खबर अहम जानकारी राजस्थान से, सालासर फतेहपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने तफ्तीश भी तेज कर दी है। राजस्थान के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की जान जाने की खबर है। सालासर फतेहपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर तफ्तीश तेज कर दी है। महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। गर्ल्स हॉस्टल में युवती का शव मिलने की खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मामले में खुदकुशी कर ली, ट्रेन से कटकर आरोपी ने की है आत्महत्या। हॉस्टल के वॉचमैन पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल आरोपी ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हो गए हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल होने की खबर है। एलपीजी से भरी मालगाड़ी पटरी से बेपटरी हो गई। ट्रेन सेवा बहाली का काम तेजी से जारी किया जा रहा है। अधिकारियों की मौजूदगी में लगातार काम चल रहा है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको मध्य प्रदेश से दे रहे हैं, जहां पर अधिकारियों की मौजूदगी में लगातार काम चल रहा है। ट्रैक को बहाल करने का काम चल रहा है। ओडिशा के बालासोर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बहानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही तेज हो गई है। हादसे के बाद सामान्य रूप से चल पा रही है। तो देखिए जिंदगी किस तरीके से ढर्रे पर लौटती है। ये वही जगह है जहां पर कुछ दिनों पहले आप हादसे की तस्वीरें देख पा रहे थे। बहानगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सामान्य रूप से अब ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। ट्रेन ट्रैफिक की है वो भी शुरू हो गई है। ये ट्रेन की सीटी आपको बताएगी, इंजन की आवाज से आपको इतला हो जाएगी कि किस तरीके से अब जिंदगी बालासोर में ढर्रे पर आने लगी है। इस बीच बड़ी खबर अहम जानकारी आपको पाकिस्तान से दे रहे हैं। रेतीला तूफान पाकिस्तान से उठा है, जिसका असर जैसलमेर से बाड़मेर तक पहुंच गया है। बवंडर बन गया है, बाड़मेर समेत कई शहरों में अंधेरा छाया हुआ है। रेतीले तूफान की वजह से पूरे शहर को अपने आगोश में इस तूफान ने ले लिया। सड़कों पर चल रहे वाहनों पर ब्रेक लग गया है। जयपुर समेत ज्यादातर शहरों तक पहुंचा तूफान। मौसम विभाग का रेतीले तूफान पर अलर्ट जारी हुआ था। अरब सागर में चक्रवात है,
सक्रिय है। राजस्थान में कल अचानक उठे रेतीले तूफान ने मानो ऐसा नजारा पैदा किया जिससे देर शाम को पूरे राजस्थान में अंधेरा छा गया। ये तस्वीर राजस्थान के बाड़मेर की, जहां बवंडर एक्सप्रेस ने ऐसा कहर बरपाया कि मौसम और तस्वीरें दोनों बदल गए। शाम होते होते बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, दौसा, जयपुर समेत ज्यादातर शहरों में धूल भरा तूफान देखने को मिला। तो वहीं रेतीले बवंडर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की सड़कों पर चल रहे वाहनों के पहिए थम गए। वाहनों की लाइट जलाने के बाद इतनी जगह नड़ी की है, मत जाओ अपने।